है वेलकम बैक गाइस। दोस्तों मैं श्रीधर दूरत आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे और एक नए वीडियो में। और यहां पे सुमसाम रास्ता देख के आप सोच रहे होगे मैं कहां पे जा रहा हूं, तो थंबनेल आपने देखा ही होगा। तो अभी मैं जा रहा हूं ओमकार के घर, क्योंकि हम लोग मैं और ओमकार की फैमिली जाने वाले हैं ओमकार के गाँव। ठीक है, तो चले अभी मैं मिलता हूँ ओमकार के घर। अभी हम लोग ने बेल बजाई है और ये रहा हमारे पहले प्लानिंग की ये रिटेक था। तो अभी ओमकार के घर आ गए, तैयारी तारी का ओमकार रेडी है। ओमकार की बड़ी आता है, ओमकार की बहन, ओमकार के पापा किचन में, उनसे बाद में मिलवाते। और ये देख सकते हो ओमकार रूम नीट, मतलब ओमकार रूम क्लीन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक शॉट लेंगे हम लोग। वीडियो के आगे दिखेगा आपको। चलो मिलते बाद में। सो ये रहा ओमकार, ये ओमकार की मम्मी। ठीक है, और यहाँ पे चालू है ओवर एक्टिंग। ठीक है, ये सब स्क्रिप्टेड है। ठीक है, तो चलो। हाँ या काका तुम्ही पण या। ठीक है काका, जब हम पाया पड़ते है ये देख सकते हो, ये ओवर एक्टिंग है, बाकी कुछ नहीं, सब स्क्रिप्टेड है। ठीक है, तो सब हो गया। ठीक है ठीक है, चलो अभी निकल रहे हम लोग। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग LTT स्टेशन पे आ गए। ठीक है, इनसे तो आप मिल चुके हैं, ये ओमकार के काका है। ठीक है, ये ओमकार के आते हैं, छोटे आते हैं, ये आते से भी आप मिल चुके, और ये काकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। ठीक है, अभी और 5 जन आने वाले ना वहाँ से, तो टोटल 12 लोग जाने वाले हम। ठीक है, तो अभी मैं आपको ट्रेन में मिलता हूँ। रही हमारी ट्रेन फाइनली आ गई लोकमान्य तिलक टर्मिनस मड़गांव। लोग देख सकते हो कितने हैं। चलिए अभी चलते हैं, हमारा S2 है और S8 है, दोनों में से एक में जाना है हमें। सो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हमारे कोच में आ चुके हैं, S8। और ये मेरा बर्थ नहीं, मतलब ये मेरा सीट नहीं है। ये देखो ये ओमकार है, ये जो नीचे वाला सीट है ना वो हमारा है। तो अभी हम ट्राई करेंगे, पूछेंगे, मतलब जो भी आएगा ना उसको बोलेंगे भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग दो जने हैं, हमें एक सीट में जाना है। ठीक है, तो इधर सामने सामने रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नीचे वाला हाँ 53-54। ओमकार ना अभी 2 मिनट पहले ना एक लड़की से झगड़ा कर रहा था, मतलब ओमकार के साथ कभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कभी तो मार खाऊंगा मैं, ये तो पीछे, मतलब हमारा सीट नंबर है कितना 54। ठीक है, ओमकार एज देख रहा था 54, 35, 55, ऐसा एज देख के वो सीट बता रहा था, पता है आपको। और हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, चौड़ में झगड़ रहे हैं भाई, 55 हमारा है। जब देखा तो 54 निकला, फिर शादी से बोला अरे नहीं नहीं 54 है। और ये देखो यही है वो, मिलना है। हाँ नहीं नहीं इतना नहीं। ठीक है, तो चलो अभी बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपको सुबह डायरेक्ट कंट्रोल। तो है गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ओपन साइड से हो तो आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ से अभी 2 घंटे हमें और आगे जाना है, 8 बजे सुबह के, तो 8 बजे का कनकौली का टाइम था, लेकिन ट्रेन पहले से ही लेट है। और ओमकार भाई के साथ मतलब सीट शेयर करना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, तो वो क्लिप्स मैंने निकाले नहीं क्योंकि अंधेरा था इसके लिए। बहुत मजा आया दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसा नहीं यार कुछ भी मत समझो। ठीक है, चलो अभी अंदर जाते हैं, चाय पीते हैं सबके साथ। ठीक है, और भी 2-3 लोग ऐड हुए हमारे में, उनसे मिलाता हूँ मैं आपको। लग रहा है मतलब दुखा दुखा सगळीकडे झालेला आहे। ठीक है, और ये चला गया, अभी फिर से ये बोलता आएगा, ये देखो अभी एक आए हो जाएगा। फिर से अभी हम लोग कनकौली रेलवे स्टेशन उतर चुके हैं। ठीक है, और ये रहा ओमकार, और वो आता जा रही है, और ये रहा स्टेशन सामने, देख सकते हो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये है कनकौली स्टेशन,
और ये इतना चेंज हुआ है ना दोस्तों, आपको क्या ही बताऊं। मतलब एक साल पहले हम लोग आए थे तो अलग था और अभी अलग है, ठीक है। तो स्टेशन के सामने ये बंगला है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। ये ओमकार के आता है उनकी नंद दी ना, नहीं पता नहीं, ठीक है। तो उनका है ये घर, ठीक है। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं, चलो। तो गांव का बेनिफिट क्या रहता है पता है? अभी देखो, कहीं से भी बस को कुछ भी करो अपना ही रहता है, इधर भी जाके टूक दो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं इसके लिए कर रहा हूँ, वरना वो पकड़ के मारेंगे, ठीक है। तो चलो ब्रश कर लेते, नाश्ता करते, फिर जाएंगे हम लोग ओंकार के घर, ठीक है। कहाँ पे सांगवे ना, हाँ ठीक है। और ओंकार के गांव का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है ना मेरे को, लास्ट टाइम भी मैं गया था, वो आपको मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, और चैनल पे अगर आप नए हो और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो अभी नाश्ता हो गया और आधी फैमिली को आगे भेज रहे हम लोग, ये जा रहे आगे जाके तैयारी करेंगे, और हम लोग पीछे से जाएंगे, ठीक है। एक दो तीन। तो फाइनली अभी हम लोग सांगवे उतर चुके, ये कनकौली का सांगवे गांव है, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। तो अभी हम लोग गए थे ओमकार के, मतलब कोई तो है सावंती है तो उनके पास चाबी रहती है, तो चाबी लेके आए। तो अभी हम लोग ओमकार के घर पे नहीं जाने वाले, उसके आता के घर पे जाने वाले। और उधर एक सीन हुआ दोस्तों, पता है, मतलब मैंने ऐसा व्लॉग शुरू किया और अंकल ऐसे देख रहे थे मेरे तक, मैंने पूछा नाम ऐसे वो क्लिप अगर एडिट करते समय अच्छा लगा ना तो मैं आपको डाल ही दूंगा, ठीक है। तो अभी जाते हैं, फटाफट फ्रेश होते हैं, फ्रेश फिर नहीं, पहले जाके काम करते हैं। नहीं नहीं, नहा धो के मैं फ्रेश होऊंगा भाई, मैं काम में कुछ नहीं करूंगा। दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो गया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आया हूँ ओमकार के घर, ये ओमकार का घर है, ठीक है। ये बंद रहता है इसके लिए, इसकी अवस्था ऐसी, और ओमकार अंदर साफ सफाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं अंदर से दिखाऊंगा नहीं आपको, ये ऐसा कुछ एरिया है, ये तुलसी है, ये गद्दा सुखाया हुआ है और ये सब चलो, और ओमकार अंदर उगड़ा बाबा बन के फिर रहे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू वेर आर यू उगड़ा बाबा, ये देखो तो ये अभी वहाँ पे अंदर साफ सफाई कर रहा था, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको, लेके चलता हूँ सुषमा आत्ता के घर, जहाँ पे अभी हम लोग फ्रेश हुए ना सब जन, वहाँ पे वो घर दिखाता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों जिस घर की मैं बात कर रहा था ना, वहाँ पे हम लोग आ गए, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो घर है ये, और ओमकार वहाँ पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आए, फ्रेश वगैरह हो गए, अभी मैं दिखा देता हूँ। घर वाले सब निकल गए क्योंकि ओमकार ने लेट किया, हाँ। तो अभी हमारे साथ कोई नहीं है, हम लोग ही है। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ घर है जहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी, ठीक है। ये काकी है, ठीक है, इनसे आप नहीं मिले थे, नहीं इनसे मिले थे आप, ये काकी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग रेडी तो हो चुके, अभी चलते हैं। इस आपने पूरा वीडियो तो देख लिया, लेकिन आपको मैं बताना ही भूल गया कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो ओमकार के गांव में चालू है सप्ताह, सप्ताह इन द सेंस मतलब मंदिर में फंक्शन टाइप रहता है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्रीयन हो तो आप पता, मतलब आपको पता रहेगा, और नहीं हो नॉन महाराष्ट्रीयन हो तो सप्ताह मतलब समझ लो एक फेस्टिवल रहता है सम काइंड ऑफ, मतलब टेम्पल में। तो वहाँ पे तो लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आता हूँ ओमकार के गांव, और ये देखो यही घर है जहाँ पे हम लोग स्टे किए थे, हाँ। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पाया था ना मैंने, हाँ, मतलब क्या ही बताओ, मतलब मैं 7 दिन के कपड़े लेके आया था ओमकार के साथ रहने के लिए, और 2 दिन में कल्टी मारा था, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, कभी फुर्सत में मिलेंगे तब बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर में जाके, मतलब भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, रामेश्वर मंदिर है, स्वयंभू मतलब शंकर मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे दर्शन करेंगे, फिर वहाँ पे भंडारा रहता है, ठीक है। तो भंडारा मतलब महाप्रसाद रहता है, ठीक है, हर दिन रहता है ना, जब तक सप्ताह है तब तक, सुबह के टाइम, हाँ दोपहर के टाइम पे ही रहता है। तो गाँव वाले जितने भी लोग हैं, गाँव वाले, गाँव के बाहर वाले जो भी आता है उसको मतलब वो प्रसाद खाने मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग भी वहाँ पे ही जा रहे हैं प्रसाद खाने, ठीक है, भंडारे में नहीं। सप्ताह है ना, वहाँ पे हम लोग जाके आए, ठीक है। तो अभी आपने जो क्लिप्स देखे होंगे ना, और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कहीं पे भी जाओ भगवान का कुछ भी रहेगा ना, वहाँ पे जो शीरा बनाते हैं ना प्रसाद के तौर पे,
भाई उसका टेस्ट क्या ही लगता है, लेकिन देते नहीं डबल यार। देते हाँ, देते देते मैंने मांगा, मतलब वो रिटर्न ही आया नहीं। तो हाँ, रिटर्न तो, आया नहीं वो तेरा हाँ, मतलब बोलते हैं ना भाग्य तेरा। तो वो रिटर्न आया नहीं, लेकिन शीरा जो था ना एक नंबर आहा, और खाना भी एक नंबर था दोस्तों। ठीक है, तो बहुत मजा आया। और अभी हम लोग आधा घंटा बैठे थे वहाँ पे, मतलब पारा मतलब इन द सेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप बैठे रहते हो वहाँ पे, टाल रहता है, टाल और मृदुंग मतलब तबला ढोलकी टाइप रहता है ना, वो बजते रहना चाहिए। सात दिन अगर सप्ताह है ना, तो जिस दिन से शुरू होता है ना खत्म होने तक वो बजते रहना चाहिए, वो टाल और मृदुंग रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे सात दिन है, तो यहाँ पे छः वाड़ी है, तो सबको चार चार घंटा मतलब बांट के दिया हुआ है। तो चार चार घंटा हर एक वाड़ी आएगी अपना मतलब टाल मृदुंग बजाते रहेगी पूरा 24/7, और वो चलते रहेगा अगले सात दिन तक। तो ऐसे सप्ताह रहता है, हम लोग के यहाँ पे एक ही दिन का रहता है। ठीक है, मेरे गाँव पे, क्योंकि वो आषाढ़ एकादशी के दिन रहता है, और विट्ठल रखुमाई का मंदिर है उसका। ठीक है, और ओमकार के फ्रेंड्स मिले लगता है, तो हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी पे पेट्रोल डालने जा रहे हैं, और ओमकार भाई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। बस 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 बस, देखो ये वीडियो है हमारा। ठीक है, अभी किधर पूछना है। ओमकार भाई चला रहे बाइक, अच्छी चला रहा ओमकार, अच्छा अच्छा। अभी हम लोग जा रहे हैं कनकौली पेट्रोल डालने के लिए, क्योंकि सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी में पेट्रोल नहीं, रिजर्व पे गाड़ी डाल के चला रहे हैं। पता है, टॉलेंटेड पीपल हम लोग, अभी जा रहे पेट्रोल भरने के लिए, पैसे की कमी नहीं अपने पास। ठीक है, आपका प्यार, बस आपका प्यार चाहिए, बाकी सब है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाड़ी सीखना है तो श्रीधर दुरत के पास आ जाओ, हाँ अपनी गाड़ी लेके। ठीक है, दोस्तों फाइनली अभी हम लोग घर के पास आ चुके हैं। जो टिपिकल कोकनी घर रहता है, ये देखो ऐसे रहता है, कौलारू घर रहते उसके। ठीक है, मतलब कौल रहते घर को स्लैब के जगह पे। और सेकंड थिंग ये देखो, कुंबड़ी, कुंबड़ी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप कोकन से रिलेट करते हो तो आप समझ पाओगे। और ये देखो ऐसे लकड़ियाँ रखी जाती है, बड़े घर में गैस हो चूल्हा हो, लेकिन पानी के लिए, पानी मतलब गर्म करने के लिए ना, ये ऐसे लकड़ियाँ रखी जाती है। और मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको घर की, एक सेकेंड रुको। ये देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है पातेला, इसे पातेला कहते हैं, जिसमें गर्म पानी करते हैं। ठीक है, तो ये हर एक घर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और घर अंदर से ऐसा है कुछ, आपको अभी मतलब लाइट नहीं तो दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी सुंदर लगता है। और क्लाइमेट इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बाहर धूप हो कुछ भी हो, आपको अंदर ठंडा ही लगता है, मतलब ठंडा ही फील होता है। ठीक है दोस्तों, फाइनली रेडी हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं नरेडा में। और जो मतलब बाकी फैमिली मेम्बर्स थे ना, जिनसे आपको मिलाया नहीं था, उनसे मिला था। सो ये है ओमकार के काका। ठीक है, ये आत्या से आप मिले हो, ये ओमकार की बड़ी आत्या है, ये चार नंबर आत्या। हाँ, और यहाँ पे बैठे ओमकार के भाई। ठीक है, और ये ड्राइवर अंकल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नरेडा में, कौन सा गाँव है, नाते का गाँव है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी सप्ताह है ना। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ का आपको लोकेशन बता दें कैसे है क्या है। ठीक है, अभी हम लोग जो है अंबा देवी माता जो है उसके दर्शन करके आ चुके हैं। मंदिर अंदर से काफ़ी सुंदर है, मैंने आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसके मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा नहीं, इस मंदिर की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, चार गांव का कुछ समथिंग है, लेकिन वो छोड़ो क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे सेकेंड लोकेशन, उसका नाम मुझे पता नहीं, हमारी गाड़ी यहाँ पे ओमनी जो भगा के वो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अभी तुरंत बैठेंगे उसमें और जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चले अभी मिलते हैं डायरेक्ट सेकेंड लोकेशन पे। सो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं रांजनवाड़ी। ठीक है, क्या भैरवगढ़। ठीक है, तो भैरवगढ़ आ गए, और ये देखो सब लोग जा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब महा जत्रोत्सव करके है, एक ही दिन रहता है महा जत्रोत्सव। ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे चलते चलते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, एक दो से तीन मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग चलते चलते जा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कैसे मैं बता देता हूँ, ये महा जत्रोत्सव है, तो इसका कैसे रहता है, इस गांव के जो लोग हैं, और हम लोग पहले गए थे ना उस गांव के लोग, जो पहला मंदिर दिखाया था मैंने उस गांव के लोग, तो यहाँ का देवी का निशान रहता है। अगर आपने कांतारा मूवी देखा होगा ना, तो वैसे उसके मतलब ये क्या बोलते हैं आप समझ जाओ। ठीक है, तो वैसे मतलब मानसाचा अंगा देता मराठी मध्ये बोलायचं झालं तर,
अधिकतर मतलब ये लोग एक खून लेके मशाल लेके डोंगर के ऊपर जाते हैं, मतलब पर्वत के ऊपर जाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके रिटर्न आते हैं, वो निशान कहते हैं उसे, ठीक है, तो वो लेके जाते हैं रिटर्न आते हैं। तो ये एक ही दिन रहता है और हम लोग लकी है कि हम लोग यहाँ पे आ पाए, पता है आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे रहता है, क्या रहता है अगर पॉसिबल होता है तो। आए थे इधर आ जाऊंगा तो आते हैं, मतलब हम लोग को लगा दर्शन विर्शन हो गया तो अभी जाते तो बोली नहीं 1 बजे तक रुकना है और अभी 9 बजे, मतलब और 4 घंटा में यहाँ पे रुकना है। तो यहाँ का जो कार्यक्रम है ना, जैसे मैंने बताया था आपको, वो दिखाऊंगा, फिर हम मिलेंगे आउटरो में, ठीक है। तो अभी हम लोग दूर आए थे, वहाँ पे बहुत आवाज आ रहा था, बहुत गर्दी हो गई यार लोगों की, मैं दिखा देता आपको सिनेमैटिक में, फिर हम लोग आउटरो में मिलते। तो दोस्तों हम लोग का वहाँ पे जाके मतलब सब कुछ कवर करके हो चुका था, लेकिन मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया वो कवर करने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने डायरेक्ट माइक पे अनाउंस किया, भाई वीडियो नहीं निकलने का, जो निकलेगा फोन लेके जाएंगे। और भगवान का था तो मतलब देखो, जहाँ पे आस्था होती है वहाँ पे मंकस नहीं की जाती, मस्ती नहीं की जाती, इसके लिए मैंने फोन रख दिया। काफ़ी सही है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आया, और अभी भी वहाँ पे चालू है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना घर से डब्बा भर के लेके आए थे खाने के लिए, खाना था वहाँ पे वो बात अलग है, और चादर लेके आए, स्वेटर लेके आए, बहुत कुछ, अभी वहाँ पे ऐसा लेके सो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कल हम लोग और एक लोकेशन पे जाने वाले, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्दी मिले, ठीक है, चलो बाय। अभी तुम्हारा भाई रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट बूम बूम, रुको दिखाता तुम्हें, ये देखिए गाड़ी कैसे हिला, देखा तुमने कुछ नहीं, मजाक करो, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।